हकीम साहब, जिस तरीके से मौसम बदलता है, सर्दी होती है, फिर गर्मी होती है, फिर एक सीजन ऐसा भी आता है ना सर्दी है ना गर्मी है, उस दौरान व्यक्ति को क्या है, खांसी, जुकाम, नज़ला और पेट की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके पीछे के कारण क्या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना है और क्या हम घरेलू नुस्खे अपना के अपने आप को ठीक रख सकते हैं? हाँ, देखिए, ये तीनों मौसम में ही दरअसल जी ये परेशानी होती है। और होता क्या है कि असल में बरसात जब आती है और आके चली जाती है तो फिजा में, मौसम, माहौल में कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जरासीम पैदा हो जाते हैं और ये पानी तक में मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा आदमी बीमार पड़ता है पानी से। तो ये बैक्टीरिया तरह तरह के होते हैं और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता तो होनी ही चाहिए आदमी में ताकि वो बीमारी से लड़ सके। और बैक्टीरिया कीटाणु से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही लड़ती है। लेकिन अगर ऐसे मौसम में जहाँ हम कीटाणु के मौसम कह सकते हैं या बरसात का मौसम, तो इसमें अगर पानी हम बॉयल करके पिए तो ये हमें बीमार पड़ने से मैं यानी बहुत मदद करता है कि हम बीमारी से लड़ सकें। तो ऐसे मौसम जहाँ बीमारियों का ज़्यादा दखल हो, कीटाणु का ज़्यादा दखल हो, उसमें गर्म पानी पीना सबसे बेहतर है। और पानी तो गर्म पीना ही बेहतर है। अगर किसी को सेहत चाहिए और ये चाहिए कि वो बुढ़ापे में भी जवान लगे, तो उसे गर्म पानी कम से कम 5 बार एक दिन में ज़रूर पीना चाहिए। पहले कॉलर है एमपी से रजिया, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, हकीम साहब से बात कराएं बेटा। जी बात कीजिए। जी रजिया जी, सलाम अलैकुम, बताइए क्या सवाल है। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, दो सवाल है मेरे, पूरी बात का जवाब देना, आप अधूरी बात रह जाती भाई साहब। हाँ, एक तो है ना, हमारे भाई होंगे जो उनको अभी बुखार आके और बीमार हो गए थे, वो और भर्ती थे और उनको कोरोना बताया था, सांस लेने में तकलीफ थी, 8-10 दिन बढ़ती रहे, अब उनको ऑक्सीजन पे ही चलना पड़ेगा, वो ऐसा कह रहे हैं। आप कोई दवा बताएं जो हम साथ साथ आपकी दवा दे सकें। ठीक है, और दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं आपकी दवाइयां तो ले रही हूँ, जैसे जैतून का सिरका वगैरह, ऑयल, शैम्पू, और मुझे काफी फायदे है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मेरे में ना कुव्वत मुदाफियत बहुत कम है, क्या ऐसा लगता है नमाज वमाज पढ़ने में, उठने में, होके तो खड़ी होके ही पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी तो सुस्ती और ऐसी अजीब सी है बस कैफियत, आप उसके लिए मेरे लिए दवा बताएं तो मेहरबानी होगी। अच्छा, आपकी उम्र और भाई की उम्र दोनों के बता दीजिए। वो भाई तो छोटे है के 60 साल के हो गए और मैं 67 साल की होंगी, आपको बताया था ना मैंने अपनी उम्र। हाँ, लेकिन मुझे दोबारा पूछना पड़ता है क्योंकि मैं कई सौ लोगों से एक दिन में बात करता हूँ। आपको तो मुझसे बात होती सिर्फ, और मेरी कई सौ लोगों से, तो मेरा भूल जाना भी लाजमी है। और बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले भाई के बारे में बात करेंगे और मैं कहता हूँ सबसे कि इस वक्त में जान बचाना बहुत ज़रूरी है और कोरोना की कोई दवा अभी तक कामयाब नहीं हुई है। एक तो 5 बार गर्म पानी पिएं भाई, और ऑक्सीजन न छोड़ें जब तक उनके फेफड़े पहले जैसे ना हो जाएं। माजून आर केयर, ये इम्यूनिटी की दवा है। ये इम्यूनिटी और फेफड़ों के लिए की मजबूती और उनका पूरा तरह से खुलने के लिए है। एक एक चम्मच सुबह शाम आप भी ले सकते हैं और आपके भाई मोहतरम भी ले सकते हैं, गर्म पानी से लें और बाकी तमाम हिदायतें डॉक्टर्स की माने। और ये दवा अगर देते हैं तो उनके कुव्वत मुदाफियत आपके अंदर भी और उनके अंदर भी, यानी इम्यूनिटी। और मैं कहता हूँ कि देखिए, इस वक्त एक रोटी कम खा लें, पहले से आप सुन रहे होंगे, और एक इम्यूनिटी की खुराक ज़रूर लें जो भी लोग हैं, चाहे एक रोटी कम खानी पड़े। इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है इस वक्त हमारे मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए।
आप इसे इस्तेमाल करें, आपको लाभ होना मुमकिन है। सेकंड कॉलर है करनाल से अशोक कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार, बताइए। मैम मेरे दो सवाल हैं। हाँ मैम, एक मैंने जैतून का सिरका मंगाया था आपकी कंपनी से यहाँ से, ठीक है, मेरे को पैरालाइज है और मैं उसको ले रहा हूँ 20-25 दिन हो गए, मेरे को कुछ आराम से लग रहा उससे। अच्छा, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, मेरी मिसेज की कमर कटती है ये। अच्छा ठीक है, 35 साल उम्र इनकी। ठीक है जी। अच्छा देखिए, आप पैरालिसिस में बहुत सब्र वाले होंगे, हौसला होगा और फिजियोथेरेपी करेंगे। इसमें तीन चीज़ें काम करती हैं, आधा काम फिजियोथेरेपी और हौसले का है और आधा काम दवाओं का है। फिजियोथेरेपी मतलब उन हिस्सों को जो नहीं चलते उनको खूब चलाइए, फिजियोथेरेपी से कहते हैं। और बहुत जल्दी तमन्ना मत करें, क्योंकि सब इलाज आप कर चुके हैं, 7 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। 2 महीने में अगर 10% भी रिज़ल्ट आ जाए तो बहुत भगवान का शुक्र करना। बहुत जल्दी मत करिए, और लहसुन खूब खाया करिए, अदरक खूब खाया करिए, धूप में चला करिए अगर चल सकते हैं, नहीं तो धूप में बैठ जाया करें। और कमर के लिए अपनी मिसिस को 1 चम्मच भूसी इसबगोल दूध में मिलाकर रोज़ाना खिला दिया करें। ख़राब लगे इनको, फीकी होती है तो शक्कर भी मिला सकते हैं, अगर उन्हें शुगर नहीं है तो फिर ये खीर जैसी लगती है, आप इन्हें दें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं यूपी से ही, उपेन कुमार हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, तेज़ आवाज़ में बात कीजिए। नमस्कार मैडम। हाँ जी बताइए। अदब। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे हेपेटाइटिस की समस्या है लगभग 10 साल से। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, दोबारा। डॉक्टर साहब मुझे हेपेटाइटिस की समस्या है 10 साल से। ठीक। तो देखिए लिख लें आप, नहीं तो भूल जाएंगे। एक आती है दवा जिसका नाम है कुटकी, KUT और KI, कुटकी। ये यूनानी दवा है, यानी आयुर्वेदिक दवा है। ये देखने में एक किसी पेड़ की जड़ जैसी होती है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से हरी, कुटकी। ये आप कम से कम 100 ग्राम खरीद लें, लेकिन जायके में कड़वी होती है, याद रखना, जायके में कड़वी होती है। ये कुटकी आप पाउडर बना लें और एक चुटकी में जितनी आए ये आप एलोवेरा का सिरका आता है, एलोवेरा का सिरका, उसमें मिक्स करके या ऐसी खा के एलोवेरा का सिरका 2-3 चम्मच एक गिलास में डालें, पानी डाल दें उसमें, और ये रोज़ाना पी लिया करें। बस एक बार, देखिए वक्त बहुत लगेगा, ये 100 ग्राम ख़त्म कर लेना कुटकी, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं पंजाब से, सरोज कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्ते जी। नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी, डॉक्टर से बात करनी है, मैंने दवाई मंगाई थी, मैं इसे खाने जी। जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए बच्चा। हाँ जी डॉक्टर साहब जी नमस्ते, मैंने ना दवाई मंगाई थी, आपने बोला था एक गौन सिया और गौन मरिंगा, ठीक है, तो ये दवाई दी और 3 जड़ियों इन्होंने और दे दी है मेरे को, ये मेरे को पता नहीं है कि कौन सी दवाई है और कैसे खानी है, ये अलग अलग करके खानी है या इकट्ठी मिक्स करनी है? ठीक है, गौन सिया और बाकी 3 दवाइयाँ एक साथ पाउडर बना लें, अगर बीज वाली दवा हो तो गुठली वाली, तो गुठली निकाल दें और इसको पाउडर बना लें, और 1 ग्राम सुबह नाश्ते के पश्चात 1 ग्राम शाम खाएं। ये आपके दर्द जोड़ों का, कमर का, नसों का,
दर्द है उसके लिए है, और गौंद मोरिंगा आपके बालों के लिए है, पेट के लिए है, मुहासों के लिए है, और अगर आप अंडर एज हैं तो हाइट के लिए है, बहुत सारे मर्ज में काम आती है। गौंद मोरिंगा आधा ग्राम एक बार, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दो बार पानी में मिलाकर ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर है राजस्थान से, आशा रानी जी स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। वो मेरे हर्निया की दिक्कत है यार, हार्ट की थोड़ी दिक्कत है। हार्ट की दिक्कत है और हर्निया। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? उम्र 55 साल। अच्छा देखिए, हर्निया अगर मामूली सा है तो ठीक हो सकता है। हाँ जी। और उसके लिए आप पेट ठीक कर लें, हर्निया ठीक हो जाता है। पेट ठीक करने की अच्छी दवाइयाँ, मेयारी स्टैंडर्ड दवाइयाँ लें, कोई भी पेट साफ करने की दवाई ना लें, पेट का सिस्टम ठीक करने की दवाएँ लें। और देखिए, ग्लोय आती है एक जड़ी बूटी जिसे सभी जानते हैं, या लिख लें आप ग्लोय की को ले लीजिए, सूखी भी मिलती है, सूखी भी ले लें 100-200 ग्राम, और इसका पाउडर बना लें, और एक चुटकी ग्लोय सुबह, एक दोपहर, एक शाम, एक चुटकी में जितना आता है पाउडर बनाकर आप खाने से पहले खाने के बाद लिया करें। आपको अगर ये मामूली है तो ठीक हो सकता है। हार्ट के लिए आपको 7-8 महीने भी अगर सब रख सकते हैं तो उसको फ़ायदा होता है। हार्ट की एक अच्छी दवा नींबू का रस, अदरक का रस, और नींबू, अदरक और लहसुन का रस, ये तीनों का एक एक लीटर रस निकालिए। ये दुनिया की बेहतरीन दवाओं में यानी घरेलू नुस्खों में आता है, इसे अरबी नुस्खा कहते हैं, और ये इतने मर्दों में काम आता है पेट के लिए। पहले मैं ये बता दूं कि नींबू, अदरक और लहसुन का रस एक एक लीटर निकालें, और एक लीटर आपको लेना है जैतून का सिरका, विनेगर जैतून या जैतून का सिरका कहते हैं, मुश्किल से मिलता है, असली लें, इन सबको मिला दें। अब ये एक दवा तैयार होगी, आपकी 5 महीने चलेगी। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच दोपहर, 3 चम्मच शाम, 2 बार से 3 बार तक ले सकते हैं। ये हार्ट के लिए एक तोहफा है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए एक तोहफा है, और कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए एक तोहफा है, पेट के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और होता है, और फालिज ज़्यादा लोगों जिनको पैरालिसिस हुआ है उनके लिए ये 2 से 3 बार 3-3 चम्मच पिया करें। खूब भगवान से मदद मांगे, ये नुस्खा बहुत कामयाब है, हर उस आदमी को लेना चाहिए जो 45 साल से ज़्यादा का है, ताकि ये सारे रोग उनको ना हो सके। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? आकाश कुमार सर, छत्तीसगढ़ से। जी आकाश जी, सवाल करिए। मेरा 3 सवाल है मैडम। हाँ बोलिए। एक तो पहला है, वो 38 पेन है, उसके लिए गोंद से मंगाया था तो खा रहा हूँ, दर्द कम ज्यादा होता है, और दूसरा बोलूँ? हाँ बोलिए। हाँ, लीवर और किडनी और ब्लड में, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? लीवर किडनी, हार्ट में, लीवर और किडनी में परेशानी है, और हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ब्लड सर्कुलर नहीं हो रहा, कितनी उम्र है? 25 साल। अच्छा, कितने दिन से दवा ले रहे हैं? तो आज 26 दिन हो गए सर, वो कौन सी ले रहा हूँ। अच्छा, कौन सी? बन रहा है गैस पेट में। ठीक है। हाँ, गौन सिया ने अपना काम शुरू कर दिया है, कम ज़्यादा होगा फिर कम होते होते ख़त्म हो जाना चाहिए। और लीवर, किडनी और दिल का को फ़ायदे के लिए जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम पिया करें,
आपको फायदा मुमकिन है।